This session is being recorded, and this is Sir Sivaraman, your English language instructor. And in today's episode, we are discussing question with WH words. अगर आप अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालें, तो आपने गुज़िश्ता हफ्ते में नॉर्मल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, यस और नो क्वेश्चंस, और बहुत डिटेल में हमने उसको पढ़ा था। बहुत सारी आपको एक्सरसाइजेज मिली थी, आपने उम्मीद है उसको सॉल्व भी किया होगा। फिर आपका बाकायदा एक टेस्ट भी हमने आपको दिया था, और इंशाल्लाह इस हफ्ते भी आपके दो टेस्ट मुतवक्का है। एक टेस्ट होगा आपका क्वेश्चन विद WH वर्ड्स पर, और एक टेस्ट आपका होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। और इस हफ्ते आपका जो फाउंडेशन लेवल है वो मुकम्मल हो जाएगा, और संडे को आप लोगों का होगा ग्रैंड टेस्ट ऑफ फाउंडेशन लेवल। तकरीबन 1 घंटे का टेस्ट होता है वो, और उसके बाद आपको आपका पहला सर्टिफिकेट हम इश्यू करते हैं इंशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स की बहुत तवज्जा, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। देखिए, आपका मेन वर्ब जब क्वेश्चन के शुरू में आता है ना, याद रखिएगा मेन वर्ब कभी भी शुरू में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ गया तो इसका मतलब ये है सब्जेक्ट से पहले अगर मेन वर्ब आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इज एम आर वॉज वर। आप देख लें, इज एम आर वॉज वर, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं आपको नजर आ रहा। जब इज एम आर पहले आएगा, वॉज वर पहले आएगा, तो इसका मतलब है मेन वर्ब पहले आ गया है, और ये मेन वर्ब बेसिकली स्टेट वर्ब है। उससे पहले आप कोई सभी डब्ल्यू एच वर्ड लगा दें। वाई एम आई रॉन्ग, मैं गलत क्यों हूँ, ये अपने आप से पूछा आप। वाई आर यू गुड एट इंग्लिश, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ SKH। अच्छा, जब भी आप डब्ल्यू एच वर्ड्स के जवाब देते हैं तो वो बदल बदल जाते हैं। अगर वाई की बात करते हैं तो वाई टॉक्स अबाउट रीजन, वेन टॉक्स अबाउट टाइम, वेन इज ही टायर्ड। उर्दू जरा नोट कीजिएगा, वो थका हुआ कब होता है, वो थका हुआ कब होता है। वाई वॉज ही टायर्ड, वो थका हुआ क्यों था। वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल गैर हाजिर क्यों थे। Why were you, when were you absent? तुम गैर हाजिर कब थे, when were you absent? When were you absent? तुम गैर हाजिर कब थे। Why was Ali weak in English? Why was Ali weak in English? अली इंग्लिश में कमजोर क्यों था। Why isn't he at home? वो घर पर क्यों नहीं है। When Ali was in Canada, अब यहां पर देखिए, गौर से देखिएगा, जब हम ये कहते हैं When Ali was in Canada, this is not a question. When was Ali in Canada? This is a question. When का मतलब कब, When का मतलब जब। When Ali was in Canada, he was rich. जब अली कनाडा में था वो अमीर था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर को चेंज कर दें तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दो सवालात कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, दो सवाल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। मैं एक सवाल पूछता हूं, लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं, व्हाई डू बॉयज फेल इन कॉलेज, मेनी रीजंस आर देयर। आपको पता है लड़की कॉलेज में फेल क्यों होते हैं। दो सवाल हो गए, हो गए दो सवाल। अब कॉमन मिस्टेक क्या है, डू यस यू डू यू नो व्हाई डू बॉयज फेल इन कॉलेज। आप दो दो सवाल एक साथ पूछते हो, आपको पता है लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं। जी सर, मुझे पता है। डू यू नो वाई बॉयज फेल इन कॉलेज। अब आप देखें अगला जो सवाल है वो किस शक्ल में चला गया। डू यू नो, क्या आपको पता है। हु एम आई, मैं कौन हूं। हु एम आई, याददाश्त चलिए मेरी, कौन हूं मैं,
हु एम आई। अगर कभी कभार लोग यूं बोलते हैं, बिना पता है तेरे को मैं कौन हूं, कौन है भाई तू? अब बताइए जुमला कैसे बनेगा, मैं पता है मैं कौन हूं, पता है तुमको? Do you हाँ, know who am I? Who I am? हु आई एम, डू यू नो हु आई एम? आज से पहले क्या बोलते थे, डू यू नो हु एम आई? आज से के बाद क्या बोलेंगे, डू यू नो हु आई एम? Sir, who am I? क्यों नहीं बोलने? दो सवाल एक साथ नहीं आ सकते ना, हु एम आई और डू यू नो, दोनों सवाल है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना, डू यू नो हु एम आई? जैसे मैंने भी ऊपर मिसाल दी, वाई डू बॉयज ओके फेल इन कॉलेज, और डू यू नो वाई डू बॉयज फेल इन कॉलेज? अजीब सा हो जाएगा, डू यू नो वाई बॉयज फेल इन कॉलेज? तो मैं पता है वो कहाँ है, बनाइए। तुम्हें पता है वो कहाँ है? यस शी डू यू नो यस शी इज वेयर शी इज। एक गलती आपकी आज दुरुस्त हो गई, और डू यू नो वेयर इज शी? डू यू नो वेयर शी इज? यस सर क्या आपको पता है यस वो सर क्या आपको पता है वो क्या चाहती है? क्या आपको पता है वो क्या चाहती है? डू यू नो वॉट शी शी वॉन्ट वांट, डू यू नो वॉट डज वॉट शी व्हाट शी वॉन्ट्स? डज वज दी आएगा, व्हाट शी वॉन्ट्स? नो क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? डू यू नो वेयर शी, डू यू नो वेयर शी डू यू नो लिव्स? वेयर लीव्स डू यू नो वेयर शी लिव्स? आई बात समझ? तो दो क्वेश्चंस कभी भी एक साथ नहीं होते। अगर दो क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं तो डू यू नो होगा, और उसके बाद एक और सवाल होगा। तो आगे वाला जो फॉर्मेट होता है वो अफर्मेटिव फॉर्मेट पर आता है, वेयर शी लिव्स। उसमें आप वैसे नहीं बोलेंगे वेयर डज शी लिव, जुमला गलत हो जाएगा। डू यू नो वेयर डज शी लिव, जुमला गलत। तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हें पता है? तुम्हें पता भी है उसने कहा क्या था? तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? बताइए, डू यू नो Do you know what she says? व्हाट शी सेड? No. डू यू नो व्हाट शी सेड? तुम्हें पता है क्या हुआ था? डू यू नो व्हाट हैपेंड? तुम्हें पता है मैं कहाँ गई थी? डू यू नो वेयर आई वेंट? डू यू नो वो कहाँ गया था? डू यू नो वेयर ही वेंट? तुम्हें पता है वो कहाँ थी? डू यू नो वेयर शी वॉज? आ गई बात समझ? अब गलती मत कीजिएगा इसमें। अब आपके सामने वो फॉर्मेशन आ रही है जो दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है डब्ल्यू एच वर्ड्स के साथ। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वेरी वर्ब। डब्ल्यू एच वर्ड बदलते रहिए और आगे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लगाते रहिए। जैसे डू यू ड्राइव अ कार? क्या आप गाड़ी चलाते हैं? डू यू ड्राइव अ कार? हाउ डू यू ड्राइव अ कार? हाउ डू यू ड्राइव अ कार? डू यू ड्राइव अ कार? हाउ डू यू ड्राइव अ कार? व्हाई डज शी कॉल यू एवरी डे? व्हाई डज शी कॉल यू एवरी डे? वो तुम्हें रोज फोन क्यों करती है? पता नहीं। वेयर डिड एली सी यू लास्ट वीक? अली ने तुम्हें कहाँ देखा था पिछले हफ्ते? वेन विल यू कम टुमारो? तुम कल कब आओगे? वाई इज इट रेनिंग एट द मोमेंट? वेयर इज इट रेनिंग एट द मोमेंट? कहाँ हो रही है सो बारिश? वेन आर यू गोइंग टू लाहौर? तुसी लाहौर कब जा रहे हो? डिफरेंट डब्ल्यू एच वर्ड्स हैव डिफरेंट पर्पस। मुख्तलिफ डब्ल्यू एच वर्ड्स के मुख्तलिफ पर्पस होते हैं। जैसे हम अगर वेयर की बात करते हैं तो वेयर टॉक्स अबाउट, वेयर टॉक्स अबाउट लोकेशन। अब इसके ऊपर बहुत सारे मैंने आपको लोकेशन सेंटेंसेस लिख कर दिए। लोकेशन
कहाँ है आपका स्कूल? किधर है भाई? वेयर इज योर स्कूल? आपके बच्चे का, आपके बहन भाई कहाँ है? वेयर आर योर सिबलिंग्स? वेयर आर योर सिबलिंग्स सिबलिंग्स? आपके बहन भाई कहाँ है? वेयर आर योर सिबलिंग्स? मैं कहाँ हूँ? आपको बेहोश करके बोरी में डाल के ले गए, आपको बाहर निकाला, फिर अब मैं कहाँ हूँ? काबुल। वेयर एम आई इन काबुल? वेयर वॉज अली लास्ट वीक? अली गुजश्ता हफ्ते कहाँ था? वेयर वॉज अली? लोकेशन की बात हो रही है। इन जेल। एज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वर्बी आ गया। तुम्हारे अम्मा अब्बा कहाँ थे पिछले साल? इन लाहौर। वेयर वर योर पेरेंट्स लास्ट ईयर? अब देखें, एक सेंटेंस, मैंने इन सेंटेंसेस को लिखने की बहुत बड़ी वजह है। मैंने, अगर आप मेरा प्रीवियस एडिशन देखें तो उसमें ये नहीं थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे भाई कहाँ हो 1 महीने से, कहाँ है वो 1 महीने से? ये सेंटेंस बहुत कॉमन है, वो कहाँ है 1 महीने से? वो 1 महीने से कहाँ है, क्या बनेगा? वेयर हैज ही बीन फॉर अ मंथ? वेयर हैज ही बीन फॉर अ मंथ? और अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि वो कहाँ है, वो कहाँ है? Very Where is he? Where is he? Where is he? Where had he been for a month? Or where was he? Where was he का मतलब क्या है? Where was he? वो कहाँ था? वो 1 महीने से कहाँ था? अब क्या बनेगा? Where had he been for a month? Where has he been for a month? Where had he been for a month? कहाँ हो भाई 1 हफ्ते से? सर कल भी दोबारा पूछ रहे थे, कहाँ हो भाई तुम 1 हफ्ते से? Where have you been for a week? और सिर्फ अगर मैं कहूँ कहाँ हो, कहाँ हो भाई? Where are you? Where is you? Where are you? Where Where are you? are you? अगले हफ्ते कहाँ होगी तुम? अगले हफ्ते कहाँ होगी? Where are you in you? Where will you be next Where week? have you Where will been? you be? Where will you be next week? कहाँ होगी अगले हफ्ते? Yes, okay. Where will you be next week? Where Where, अब मैंने देखी कोशिश की है कि मैं मुख्तलिफ टेंसेज में आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाऊं। वो कहाँ रहती है? Where does she live? तुमने लैंग्वेज कहाँ से सीखी? वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? लोग उस मैंने आपसे पूछेंगे आने वाले वक्तों में। वेयर डिड यू लर्न लैंग्वेज? फ्रॉम एसकेएच। वेयर विल यू बी आफ्टर 10 ईयर्स? 10 साल बाद कहाँ होगी तुम? इन लंदन। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ गई वो? गोइंग कहाँ गई वेयर वो? कहाँ गई? वेयर हैज शी गॉन? कहाँ पर तुम इंग्लिश सीख रही Where हो? has she gone to? कहाँ पर तुम 1 महीने से इंग्लिश सीख रही हो? हमें भी बता Where दो। have you been learning English for a month? कहाँ गई थी तुम? सच सच बता दो। Where did you go? वेयर डिड यू गो? Tell me your truth. कहाँ जा रही थी तुम? Where were you going? Where you going? कहाँ जाओगी? Where Where will you go? मुझे कहाँ जाना चाहिए? अब देखें, मॉडल्स का इस्तेमाल करके दिखा दिया मैंने आपको। मुझे कहाँ जाना चाहिए? should I go? Where should I go? Should I go abroad? क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? Should I go abroad? No sir, you should not. हमें कौन पढ़ाएगा फिर?
Where can I learn Yeah, that's English? for sure. Where can I learn English? Hey, Where can I learn English? मैं इंग्लिश वहां कहाँ सीख सकती हूँ? Where must we stay? मैं Where कहाँ must we रह stay? सकती मुझे लाजमन कहाँ पर ठहरना चाहिए? मुझे लाजमन कहाँ पर ठहरना चाहिए? Where must we stay? When talks about कब? इसमें कुछ बड़े अहम इंकशाफात होंगे, आप गौर से सुनिएगा। तुम्हारी सालगिरह कब है? When is your birthday? तुम्हारी लैंग्वेज क्लासेस कब होती है? तुम्हारी लैंग्वेज क्लासेस कब होती है? When are your language classes? Monday to Friday. तुम घर पर कब होती हो? तुम घर पर कब होती हो? When are you at home? सर, When are you at home? तुम पैदा कब हुई थी? तुम नहीं कह सकते. When you are at home. When are you at home? क्वेश्चन फॉर्मेट पे लेके जाना पड़ेगा ना, वेन के बाद भी तो क्वेश्चन फॉर्मेट आएगा ना। आर यू वेन यू वेन आर यू एट फोर? तुम ओके okay. पैदा कब हुई थी? तुम When were you born? वेन वर यू बोर्न? वो यहां पर कब थी? वेन वॉज शी हियर? वेन वॉज शी हियर? Was अच्छा देखिए, she वो कब उठती है, वो कब उठी here? थी, वो कब उठेगी? मैं बात कर रहा हूँ टाइम की। अगर प्रेजेंट की बात करता हूँ तो डू डज लगा रहा हूँ, पास की बात कर रहा हूँ तो डिड लगा रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो विल लगा रहा हूँ। वो कब उठती है, वो कब उठी थी, वो कब उठेगी? वेन डज शी वेक अप? वेन डिड शी वेक अप? वेन विल यू वेक अप? कब जा रही हो तुम? तो कब जा रही हो? गोइंग कब जाओगी भाई तुम? तो जाती क्यों नहीं हो? When वेन विल यू गो will you go? अच्छा अब जरा गौर से वेन विल यू सुनिएगा। गो When will you go? आपने SKH में दाखला कब लिया? When have you joined SKH? बज़ाहिर तो सही लग रहा है, लेकिन जब अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि when के साथ प्रेजेंट परफेक्ट लगाना जायज नहीं है। ओके व्हेन हैव यू गॉट मैरिड आप नहीं कह सकते। व्हेन हैव यू ज्वाइंड एसकेएच आप नहीं कह सकते। व्हेन हैव यू कंप्लीटेड योर कोर्स आप नहीं कह सकते। व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल जायज नहीं है। आप व्हेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो सर व्हेन के साथ क्या लगाए? पास्ट सिंपल। When did you get married? When did you join SKH? When did you take admission? When have you taken admission? ये जुमला गलत। When के साथ हमेशा 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 पास्ट सिंपल ही आएगा, ठीक है? When के साथ हमेशा पास्ट सिंपल ही आएगा। यस सर. When के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता है। When should I come? मुझे कब आना चाहिए? When should I come? When should I have come? इसका पास्ट क्या होगा? When should I have come? मुझे कब आना चाहिए था? When should we pay fee? क्या मतलब? क्या मतलब? मुझे पिकअप मुझे फी कब जमा करवानी चाहिए? वेन शुड वी हैव पेड फी? अब बताओ मतलब। मुझे वेन फीस कब देनी चाहिए? चाहिए थी? वेन शुड वी हैव पेड फी? हमें मुझे फीस कब पे करनी चाहिए थी? मैं आपको कब फोन कर सकती हूँ? मैं आपको कब फोन कर सकती हूँ? दिन जाए। When can I call you? When
When did When can I sir, call when you? did I call you? Is it true? When will I call you? When can I call you? मैं आपको फोन कब कर सकती हूँ? एनी टाइम इफ आई एम फ्री आई विल डेफिनेटली पिक अप योर फोन. वेन यू विल कॉल, अब बड़ी एक देखो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है. वेन में, वेन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वेन के साथ विल नहीं लगाते. सर ऊपर तो अभी आपने लगाया है, वहां पर वेन का मतलब कब है. लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं जब वो कॉल करेगी मैं अली को इन्फॉर्म कर दूंगा. वेन यू विल कॉल, वेन शी विल कॉल, जब बारिश होगी, वेन इट विल रेन, जुमला गलत. अब आप वेन के साथ विल नहीं लगा सकते, अब आप वेन के साथ प्रेजेंट सिंपल ही लगाएंगे. वेन शी कॉल्स आई विल लेट यू नो, वेन यू कॉल आई विल इन्फॉर्म अली. जब तुम फोन करोगी मैं अली को इन्फॉर्म कर दूँ. तो वेन के साथ विल लगाना जायज नहीं है. और वेन का मतलब यहाँ पर क्या है, जब जब वो आएगी, वेन शी कम्स. अब आप ये नहीं कह सकते वेन विल शी कम. अगर आपने ये बोल दिया वेन विल शी कम तो मतलब ही बदल दिया, वो कब आएगी. जब आएगी तो बता दूंगा. वेन शी विल कम आई विल टेल यू, जुमला गलत. वेन शी कम्स आई विल टेल यू. आखिरी बात समझ. तो जरूरी नहीं है कि आप वेन के साथ हमेशा पास्ट सिंपल लगाए. वेन के साथ हमेशा जो है वो प्रेजेंट, वेन के साथ प्रेजेंट परफेक्ट तो कभी आ ही नहीं सकता. और वेन के साथ फ्यूचर सिंपल की मैं बात करता हूँ तो आप वेन के साथ फ्यूचर सिंपल भी नहीं लगा सकते, वहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल लगाना पड़ता है. फिर आपकी जिंदगी में आ रहा है हाउ, ये आसान है. और कैसी हैं आप, आपके अब्बा कैसे हैं, आपके अम्मी अबू कैसे हैं, और भाई क्लास कैसी रही, हाउ वॉज योर क्लास, और सब लोग वहाँ कैसे थे, हाउ वॉज एवरी वन देयर. होता है ना कभी कोई कहीं जाता है और वहाँ सब कैसे थे, अच्छा मजा आया, ठीक है, और तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, हाउ वॉज योर पेपर, हाउ डज सर हसीब टीच, सर हसीब कैसे पढ़ाते, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही बुरा पढ़ाते हैं, हाउ डज सर हसीब टीच, कैसे आई थी वो पैदल, हाउ डिड शी कम, सर शी केम ऑन फुट, हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए. डिस्कशन टॉपिक आ गया, हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, वी शुड लर्न इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग ग्रामर दिस एंड दैट, राइट. अब आपको स्पोकन डिस्कशन क्लास में सवाल भी समझ आना शुरू हो जाएंगे. व्हाई टॉक्स अबाउट रीजन, व्हाई इज शी सैड, वो उदास क्यों है, वो उदास क्यों है, बिकॉज शी हैज फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो गई है. व्हाई वर यू सैड, बिकॉज आई लॉस्ट माई सेल फोन. व्हाई डू यू कीप क्राइंग, तुम रोती क्यों रहती हो, बिकॉज यू डोंट गिव मी टाइम. व्हाई डिड यू कम लेट, तुम देर से क्यों आई थी, बिकॉज आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक. व्हाई डिड यू लीव एफ पी एच, बिकॉज आई गॉट फेड अप. अच्छा क्या मैं हैव लगा सकता हूँ, हैव लगा सकता हूँ. यस सर, व्हाई हैव यू लेफ्ट एस के एच, व्हाई के साथ आप बिल्कुल लगाए हैं, कोई यस मसला नहीं है. सिर्फ वेन के साथ एक प्रॉब्लम है कि वेन पास्ट टाइम की बात करता है और फिर वहां पर वेन का इस्तेमाल जायज नहीं. अगर आप वेन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कुछ और मामला दे देंगे, ठीक है. चले, व्हाई हैव यू लेफ्ट एस के एच, ये बिल्कुल सही है, आप इसमें इस्तेमाल करें. लेकिन जब आप वेन का इस्तेमाल करें तो उस वक्त प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें. आप ये नहीं कह सकती वेन हैव यू लेफ्ट एस के एच, क्योंकि जो जवाब आपको मिलेगा वो पास्ट टाइम में मिलेगा. बिकॉज आई हैव गॉट फेड अप, क्योंकि मैं उकता गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं सीख सकती. बस जब आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं सीख सकती तो फिर आप कभी भी नहीं सीख सकते. कौन है ये लड़की, हु इज शी, हु टॉक्स अबाउट समबडी, हु टॉक्स अबाउट समबडी, कौन है ये लड़की.
Who is she? Who is she? Who was she? कौन थी वो लड़की? बेगम ने किसी के साथ देख लिया, अब सवाल कर रही है कौन थी वो लड़की। भाई कौन जो बाइक पर बैठी थी आपके साथ? भाई मैं तो अकेला था, झूठ मत बोले। भाई आपको कुछ हो सकता है, कोई जिन विन देख लिया हो। आजकल जिन भी जो है वो लिफ्ट ले लेते हैं। सुना नहीं है तुमने कितनी कहानियां। अच्छा एक दिन फिर मोबाइल में तस्वीर आ गई। कौन है ये लड़की? हु इज करेगा भाई, आप खुद पूछ ले, मुझे क्या पता। तस्वीरें क्यों भेज रही है यार? भाई खुद भेज रही है अपनी मर्जी से, मैंने थोड़ी नहीं बात की। आप खुद हिस्ट्री चेक कर लें, आप खुद बात कर लें। कौन है ये लड़की? हु इज शी? एक दिन अब्बा ने देख लिया भाई, दो चार छह हमारे दोस्त साथ खड़े थे। कौन है ये लोग? हु आर दे? पापा माई फ्रेंड्स। पापा देखते हुए गुजर गए, घर पहुंचे हम। कौन थे वो लोग? हु आर दे? पापा माय स्टूडेंट्स। हु डिस्टर्ब्स यू? अब जरा बहुत बहुत तवज्जो की जरूरत है, बहुत तवज्जो की जरूरत है। ये बड़ा यहाँ से मजेदार टॉपिक स्टार्ट हो गया है। कौन आपको परेशान करता है? हु डिस्टर्ब्स यू? और तुम किसको परेशान करती हो? हु डू यू डिस्टर्ब? अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को देखें तो एक फॉर्मेशन के अंदर आपको हु के बाद वर्ब नजर आ रहा है और उसमें एस और ई एस लगा हुआ है। यानी कि जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सही कह रहा हूं? और एक फॉर्मेशन वही है जिसको आपने अभी तक सीखा है कि डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और यहां पर भी हु आ रहा है, हु डू यू डिस्टर्ब। यानी कि हु के अंदर कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ मैं भी आपको समझा रहा हूं। हु को एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है और हु को एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे बताइए सब्जेक्ट जुमले में कहां पर आता है? मुझे बताइए सब्जेक्ट जुमले में कहां पर आता है? स्टार्ट पहले आता में आता है, यानी कि मैं यहां पर। स्टार्ट अच्छा हु से मुराद क्या है? समबडी। सही है, मैंने आपसे कहा somebody likes me, मैंने आपसे कहा कोई मुझे पसंद करती है। अब आपके जहन में सवाल तो उठ रहा होगा, आपके जहन में सवाल तो उठ रहा होगा, आपको तजस्सुस तो हो रहा होगा और आप एक सवाल पूछना चाह रहे होंगे। पूछिए 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 पूछिए, बता दो। मैं बता दू, हू लाइक्स यू? अब मुझे बताओ ये जो हु है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऊपर वाले सेंटेंस, ऑब्जेक्ट अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सब्जेक्ट है लालाइफ डफर सर हसीब स्कॉल्ड्स अस। सर हसीब हमें डांटते हैं। अब सर हसीब को हटाइए और हु लगा दीजिए, हु स्कॉल्ड्स यू? तो अब आपका जवाब क्या होगा? अब आप देखिए, अब हु जो है वो कौन है? सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट
सर हसीब, काम को करने वाला कौन? काम सर हसीब। तो हु को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, ठीक है ना। आगे चलिए, सारा सारा लाइक्स समबडी। आप बताइए समबडी कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट में। अब समबडी कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट में। सारा लाइक समबडी, सारा किसी को पसंद करती है। पेट में तो बात रह नहीं रही होगी, अब आप चाह रही होगी आपको सवाल पूछे। सारा लाइक समबडी, आपसे आपकी मुलाकात सारा से हो गई और आपने सारा से सवाल पूछ लिया। क्या सवाल पूछा? तुम किसको पसंद करती हो? सारा लाइक्स समबडी, आपने फौरन जाकर सवाल कर लिया सारा से, भाई तुम किसको पसंद करती हो? हु डू यू लाइक। अब यहां पर जो हु लिखा हुआ है, ये हु सब्जेक्ट का है या ऑब्जेक्ट का है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट आई बात समझ? सब्जेक्ट इधर देख लो, ऊपर देख लो जरा। यस एक और मैं आपके साथ लिए सेंटेंस लिखता हूं। सर। ही किल्ड सारा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है? सारा। ही किल्ड समबडी, उसने किसी सारा को मार डाला, उसने किसी को मार डाला। अब आप जानना चाह रही है उसने किसको मारा। अब बताइए कि यहां पर हु सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है? या मैं पढ़ाऊं अभी दोबारा बैठ के। यस उसने उसने सारा के पेट में चाकू मारा। ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ एन एक्शन। चाकू किसके पेट में घुसा? सारा के। यहाँ पर अब बताइए रिसीवर की बात हो रही है या सारा डूअर की बात हो रही है? डूअर तो ये बैठा हुआ, नाम लिख देता हूँ, अली किल्ड सारा। तो डूअर कौन है? मारने वाला कौन है? इट्स मारने वाला तो अली है, अली अली किल्ड सारा, लेकिन किसको मारा? हु डिड अली किल? सारा। सारा सारा को। तो अब हु जो है वो रिसीवर है या डूअर है? रिसीवर रिसीवर, ठीक है ना। अब आइए मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, मजा आता है इसको पढ़ने में। सारा राइट्स अ लेटर टू अली। बताओ अब अली कौन है, डूअर है या रिसीवर है? रिसीवर रिसीवर। मैं अली अली को हु में कन्वर्ट कर दूं और अली को संबडी में कन्वर्ट कर दूं यस और इसको मैं संबडी में कन्वर्ट कर दूं। अब आपको तजस्सुस होगा, सारा राइट्स अ लेटर टू संबडी। अब ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन बनाओ। सारा राइट्स अ लेटर टू संबडी, क्वेश्चन बनाओ। हु सारा राइट लेटर हु सिर्फ इस सवाल का क्वेश्चन बनाओ, डस सारा सारा राइट अ लेटर सारा राइट्स अ लेटर का क्वेश्चन बनाओगे तो देखो बहुत आसानी से बन जाएगा। डस सारा राइट अ लेटर टू, हु डस सारा राइट अ लेटर टू। अगर प्रेपोजिशन होता है तो अपनी जगह लिखा रहता है। अब देखिए हु अब्यूजेस यू। अब यहां पर हु कौन है, रिसीवर है या डूअर है? तुम्हें गाली कौन देता है? रिसीव तो तुम्हें होती है, डूअर रिसीवर तो तुम हो, गालियां तो तुम्हें पड़ रही है।
लेकिन देने वाला कौन है, डूअर कौन है, वही पूछा जा रहा है, हु अब्यूजेस यू। लेकिन तुम किसको गालियां देती हो, हु डू यू अब्यूज। अब यहां तुम तो हो गई काम करने वाली, तुम गालियां तुम देती हो, रिसीवर कौन है, वही मैंने पूछा है, हु डू यू अब्यूज, तुम किसको गालियां देती Somebody. हो, ठीक है, तुमसे बातें कौन, तुमसे बातें कौन करता है, तुमसे Who talks to you? तुम किससे बातें करती हो, किससे Do you बातें talk करती, to? हु डू यू टॉक टू, फॉर्मल में टू हुम डू यू टॉक, जैसे आपकी मोहल्ले वाली आंटी आ गई, भैया आपकी बच्ची किससे बातें करती रहती है सुबह, हंस हंस के, कभी 10 से 11 में हंस रही होती है, कभी 11 से 12 में, छत पे कड़ी हुई मुसल, रोज आना मंडे टू फ्राइडे, जरा नजर रखिए भैया अपनी बच्ची पे, क्या हो गया बहन, वो लैंग्वेज क्लास ले रही होती है, लैंग्वेज क्लास जी, आप अपने घर में नजर रखें, हमारी बच्चियों को छोड़ दें आप, लेकिन फिर भी जरा देखें, ख्याल करें, हु डज योर डॉटर कीप टॉकिंग ऑन द फोन, अरे लैंग्वेज क्लास ले रही है कह तो रही हूँ, वो अब टीचर बातें ऐसी करते तो वहां हंसी आ जाती है, कौन आया था, कौन आया था, कौन आया था, हु केम, कौन गया था, हु वेंट, तुमने किसको देखा था, तुम्हें किसने देखा था, तुम्हें किसने देखा था, Who saw you? और तुमने किसको देखा था, How did you see? हु डिड यू Who सी, did you see? तुम किसको देखती हो, बता दो बेटा, तुम किसको देखती हो, ये रोजाना Who छत do पे you जाए, see? हु डू यू सी, राजू, वो असलम चाचू है ना पान वाले, उनका बेटा, हु डू यू सी, हु विल यू सी, तुम किसको देखोगी, हु विल यू सी, तुम किसको देखोगी, कौन रोता है, कौन रोता है, Who तुम्हें cries? तुम्हें रुलाता कौन है, नाम बता दो उसका, जान से मार दूंगा उसको, Who makes you cry? हु मेक्स यू क्राई, हु मेक्स यू क्राई, तुम किसको रुलाती हो, Who do you make cry? हु डू यू मेक क्राई, डू यू मेक अली क्राई, क्या तुम अली को रुलाती हो, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, Teaching you? हु इज टीचिंग यू, तुम किसको पढ़ा रही हो, Who are you teaching? हु आर Who यू are you टीचिंग, teaching? किसने किया ये सब कुछ, Who has done होता this? है ना आप घर से गई हुई होती है, बच्चे पीछे, सारा कमरा तहस नहस, तकिए चादर, किसने किया ये, मम्मा मैंने नहीं किया ये, राजू ने किया, नहीं मम्मा ये गुड़िया ने किया, हु हैज डन इट, किसने किया था ये, हो सकता है? Who has done इट्स this? डन इट, अब तो बहरहाल आपने कमरा समेट दिया, जब बच्चे वापस आए, किसने किया था ये सब कुछ, हु डिड इट, हु हैज डन इट, और हु डिड इट, ये सर, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल डिफरेंस आपको, हु डिड इट, नहीं विच नहीं नहीं हैज संबंधी की बात हो रही है ना, करने वाला कोई इंसान है ना, करने वाला तो कोई इंसान है ना, तो हम हु की बात कर रहे हैं ना, हु डिड इट, अब देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई भी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम हु को एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हु को एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देखें, अली सिंग्स अ सॉन्ग इन द क्लास, अली क्लास में गाने गाता है, समबडी सिंग्स अ सॉन्ग इन द क्लास, अब आप इस समबडी की जगह पर हु लगा दीजिए, आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप हु को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, सारा खान लाइक सरहसी, सरहसी को हटाइए, सारा खान लाइक समबडी, अब इस समबडी को क्वेश्चन में की तरफ मूव कीजिए, हु
अब जो सेंटेंस लिखा है उसका क्वेश्चन बनाइए, जैसे सारा खान लाइक्स, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, डस सारा खान लाइक, तो अब सवाल क्या बन गया, हु डस सारा खान फूड लाइक, हु डस सारा खान लाइक, सारा खान किसको पसंद करती है, तो जवाब आता है सारा खान लाइक्स सर हसी, अंधी है क्या, अरे नहीं भाई कैसी बात है, कहते हैं वॉट, अच्छा वॉट के अंदर भी आपको यही चीज मिलेगी, वॉट एज अ सब्जेक्ट और वॉट एज एन ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, सोनिया, आपके बच्चों का नाम क्या है, व्हाट आर योर चिल्ड्रंस नेम, सारे बिट सभी, मसला क्या था, मसला की था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, चाहती क्या हो तुम, व्हाट डू यू वांट, अलैदगी, तुमने कल किया क्या, पूरे दिन आराम ही करती रही, तो आज भी तुम्हें आराम ही करना है, व्हाट मैं डिड यू डू यस्टरडे, रेस्ट, नथिंग, व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या किया, चेयर तोड़ दी, पागल, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा राजू, व्हाट हैव यू डन, आई हैव ब्रोकन अ चेयर, आई विल बाय अ शर्ट एंड टाई, अब आप देखिएगा कि व्हाट के बाद भी आपको कभी ऑक्सिलरी वर्ब दिखेगा और कभी नहीं दिखेगा, आई विल बाय अ शर्ट एंड अ टाई, इसका मतलब है आई विल बाय समथिंग, जब आप व्हाट को एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपका वर्ड ऑर्डर बदलता है, देखिए व्हाट विल यू बाय, लेकिन अगर आप व्हाट को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आपका वर्ड ऑर्डर नहीं बदलेगा, समथिंग डिस्टर्ब्स यू, समथिंग की जगह पर व्हाट लगा दीजिए, सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, व्हाट डिस्टर्ब्स यू, और ये क्वेश्चन बन गया, समथिंग हैपेंड, समथिंग की जगह पर आप व्हाट लगा दीजिए, व्हाट हैपेंड, समथिंग मेक्स यू क्राई, व्हाट मेक्स यू क्राई, आई ईट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम की जगह पर समथिंग लगा दीजिए, अब आपका फॉर्मेशन बदलेगी, व्हाट डू यू ईट, तुम खाती क्या हो, आई ईट एन आइसक्रीम, हाउ ओल्ड टॉक्स अबाउट एज, और क्या उम्र है आपकी, आई एम 16, क्या उम्र थी आपकी जब आपने लैंग्वेज को सीखा सर, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू लर्न इंग्लिश, आई वॉज 18, हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, क्या उम्र कितनी पुरानी, हाउ ओल्ड एम आई पापा, पापा मेरी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड एम आई पापा, यू आर 4, हाउ फार टॉक्स अबाउट कितना दूर, कितनी दूर, अक्सर ये 4 हमारे पास आया करता था, सुने यार कितनी दूर है आप, अब तो हम दूर ही नहीं है, अब तो हम घर पे रहते हैं, हाउ फार आर यू, आई एम अ लॉन्ग वे, तो कितनी दूर है भाई वो, हाउ फार इज शी, हाउ फार इज योर स्कूल, फार का इस्तेमाल क्वेश्चन में करते हैं और नेगेटिव में करते हैं, अफर्मेटिव में फार का इस्तेमाल नहीं करते, क्वेश्चन के अंदर करेंगे या नेगेटिव में करेंगे, और अफर्मेटिव के अंदर फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं दूर हूं बहुत, आई एम अ लॉन्ग वे, आप ये भी नहीं कहेंगे आई एम फार अवे, आप क्या कहेंगे, आई एम अ लॉन्ग वे फ्रॉम होम, आर यू फार, क्या आप दूर हैं, हाउ फार आर यू, कितनी दूर है, आई एम नॉट फार, मैं दूर नहीं हूं, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच, हाउ फार वर यू व्हेन आई कॉल्ड, आप कितनी दूर थे जब मैंने आपको फोन किया, हाउ ऑफन, रेपुटेशन की बात करते हैं, कितनी मरतबा, हाउ ऑफन डू यू वॉश योर फेस, आप दिन में कितनी मरतबा अपना मुंह धोते हैं, 5 to 8 times, हाउ ऑफन डज शी कॉल, वो दिन में कितनी मरतबा आपको फोन करती है, 10 times a day, हाउ ऑफन डिड यू स्मोक, आप कितनी सिगरेट पिया करते थे, वंस अ वीक एंड नाउ ऑलमोस्ट एवरी डे एवरी आवर, हाउ मेनी हाउ मच टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, कितना और कितनी, लेकिन हाउ मच मैनी का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, क्लासेस, गिन सकते हैं, बच्चे, किड्स,
हाउ मेनी बुक्स गिन सकते हैं, जिन चीजों को गिना जा सकता है वो उसके साथ हाउ मेनी, और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता है उनके साथ हाउ मच, और हाउ मच के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा क्योंकि उसका प्लोरल होता ही नहीं है, और हाउ मेनी के बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लोरल में होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी क्लासेस, हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी लैपटॉप्स, हाउ मेनी मोबाइल फोन्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे वो होते हैं अनकाउंटेबल है, जैसे मनी, बिरयानी, टी, वाटर, स्पेस का अनकाउंटेबल है, लेकिन उनको काउंट करने का पैमाना दिया गया है, जैसे टाइम, हाउ मच टाइम, इसको काउंट करने का पैमाना है, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मच मनी, हाउ मेनी डॉलर्स, हाउ मेनी रुपीज, हाउ मच बिरयानी, हाउ मेनी प्लेट्स ऑफ बिरयानी, हाउ मच टी, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, हाउ मच वाटर, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, हाउ मच स्पेस, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ लॉन्ग टॉक्स अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू लाहौर, कितने अरसे के लिए आप लाहौर जा रहे हैं। जब हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के साथ करेंगे तो ये मीनिंग्स आपको क्या देगा, कितने अरसे के लिए, हाउ लॉन्ग इज शी कमिंग, कितने अरसे के लिए आ रही है वो। लेकिन जब आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कितने अरसे से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं, हाउ लॉन्ग है सर हसीब बीन टीचिंग, सर हसीब कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं, आपको कौन सा रंग पसंद है, नीला या काला। जब आप चॉइस देते हैं कौन सा और कौन सी, विच का इस्तेमाल करते हैं अगर आप चॉइस देते हैं, लेकिन अगर आपने चॉइस नहीं दी तो फिर आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट फूड डू यू लाइक, आपने कोई चॉइस नहीं दी लेकिन आपको खाने में क्या पसंद है, शादी से पहले की बात है, फोन पे, अच्छा आपको जगह कौन सी पसंद है, पूछते ऐसे जैसे आपको खाने में क्या पसंद है, रोजाना नई नई डिश बना कर देंगे। अच्छा, मैं फूड पांडा पे ढूंढ के रखूंगी कहाँ से मिलती है, फिर मैं आपके लिए ऑर्डर करूंगी। बहुत अच्छे भाई, विच कार इज योर्स, आपकी कौन सी गाड़ी है, नीली, पीली, काली, आप चॉइस दे दी आपने, जब चॉइस है तो विच है, चॉइस नहीं है तो वॉट है। ठीक है भाई, गॉट इट, विच टॉक्स अबाउट चॉइस एंड हु टॉक्स अबाउट पोजेशन, किसका, ये गाड़ी किसकी है भाई, हटाओ यहां से, हुज कार इज दिस, ये बच्चा किसका है भाई, हुज चाइल्ड इज दिस, ये बेगम किसकी है, हुज वाइफ इज दिस, हमारी है, अच्छा आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई, और हुम जो है वो बराबर है हु के, जैसे भी आप लोग पढ़ रहे थे ना, किस, तुम किसको पसंद करती हो बेटी बता दो, हु डू यू लाइक, हु की जगह पर आप हुम लगा सकते हैं, लेकिन जब हु एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करें, हु डू यू लाइक, लेकिन अगर लिखा है हु लाइक्स यू तुम्हें कौन पसंद करता है, अब आप हुम नहीं लगा सकते, हु डज अली कॉल एवरी डे, आप यहाँ पर हुम लगा सकते हैं, बट याद रखिएगा कि हुम जो है वो फॉर्मल है, अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा टू हुम इट मे कंसर्न, ये फॉर्मल है, टू हुम डू यू टॉक, तुम किससे बातें करती हो, और जब हुम का इस्तेमाल होता है जो प्रेपोजिशन होता है वो हुम से पहले आता है, विद हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बातें कर रही हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रही हो, ठीक है, चले नेक्स्ट क्लास में आज इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपके साथ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, काइंडली ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशंस, अस्सलाम वालेकुम।